हेलो मैम, हेलो। एक्चुअली ना मुझे आपसे काम था। हाँ जी बताइए। आप मेरे साथ चल सकते हो क्या एक रात के लिए? यार आपका दिमाग खराब हो गया, मैं आपको ऐसी लगती हूँ? नहीं, बात वैसे लगने वाली नहीं है ना। एक्चुअली मैंने पूरे जगह ये देखूं माना है, तो मुझे ऐसा लगा कि ना आप जैसे बिल्कुल जैसी लड़की की रिक्वायरमेंट मुझे है ना, आप बिल्कुल उसमें फिट बैठ रहे हो। नो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब शर्म की बात नहीं है, एक्चुअली दूसरे की हेल्प करने में क्या शर्म है? आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, आपकी भी मदद हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। नहीं, दो आप और लाख किसी को ढूंढ पैसे लीजिए। लेना, 2 लाख रुपए ले लेना, मेरे साथ चलो। एक रात की तो बात है। आप मुझे लालच दे रहे हैं कि खरीद रहे हैं? नहीं, मैं आपको लालच नहीं दे रहा, मैं बस एक ऑफर कर रहा हूँ। आप 2 लाख रुपए मेरे साथ चल दो और मेरी हेल्प हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा, दोनों के काम निकल जाएंगे। ना मुझे आपकी पेमेंट चाहिए, ना मुझे आपके साथ जाना है। 4 लाख रुपए ले लो ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे चलो ना प्लीज, देखो दुआएं लग जाएंगी। मैं एक्चुअली बाहर से आया हूँ, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, और ना मेरे को यहाँ की लड़की चाहिए कोई। नहीं, मैं नहीं आपके साथ जा सकती, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही चली अरे जाऊंगी पैसे किसी सारी काम जान के लिए? पहचान बनाता ना, 6 लाख रुपए ले लो। इतनी आसानी से कहाँ कमाए जाते हैं, लोगों का पैकेज नहीं होता इतना। नहीं सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अरे कर दो ना, थोड़ी सी कर दो प्लीज। नो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ अभी। आप कैसे इंसान हो, कहाँ से आए हो? देखो सुनो ना, ऐसा है, जान पहचान तो बन जाएगी, आप साथ चलोगे तो अपने आप ही बन जाएगी जान पहचान, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों बात अब ऐसा होता है, लोगों की शादियां होती हैं, वो भी तो ऐसे ही नहीं जानते ना, फिर एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। और हम तो सिर्फ एक काम, एक ही तो जरूरत है, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, पैसा सबकी जरूरत पूरी कर देता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। 12 लाख रुपए ले लो और बताओ ना। यार आप इतनी पेमेंट दे रहे हो, मुझे खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं आपको खरीदना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ एक हेल्प चाहिए आपकी, एक रात के लिए। एक रात के लिए आप मेरे साथ चल दो, बस मेरा काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं आपको एक रात के लिए ही क्यों चाहिए हूं? आप मुझे हमेशा के लिए नहीं अपना सकते? इतने पैसों में तो कोई भी लड़की मान जाएगी। नहीं, हमेशा का तो अपना काम नहीं है, पूरी लाइफ टाइम का थोड़ी कोई खेल खेलना है ना मैडम। अब ये है कि जितनी जरूरत है उतना मिल जाए, वो उतना बहुत है। फिर आपको एक रात में क्या इंटरेस्ट है? एक रात में इंटरेस्ट में क्या अब कोई वजह है ये? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, देखो कि एक रात का क्या है कि ना, मैं मैडम बाहर जॉब करता हूँ, ठीक है? अभी हम पापा ने क्या कर रखा है, लेनी कर रखी है भैया इस बात पे कि शादी करो। अब शादी आदमी कैसे करे, सीधी सी बात है, एकदम से नहीं होता बंदे का दिमाग शादी करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि ये करेगा नहीं, करेगा नहीं, कि भाई कोई लड़की है तो बता। अब कह रहे या तो तू बता, नहीं तो हम करवाते हैं तेरी। तो मैंने उन्हें ना बड्डे मार दी कि हाँ मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, और ना मैंने जो डिटेल बताई ना, वो बिल्कुल आपके जैसी है, हूबहू आपके जैसी, मतलब हाइट, हेल्थ, लुक वाइज सब बिल्कुल आपके जैसा। तो अब वो सुन के कह रहा, अच्छा ठीक है, अब लड़की से हमें मिला, अब यार मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब जो बंदा एक बार फंस जाए वो क्या करे, जब अब मैंने डिटेल देख दी, अब ऐसी लड़की ढूंढो। अब ऐसी लड़की ना, जैसे आप हो ना, ऐसे मैं भी ढूंढ रहा था, मेरा दोस्त भी ढूंढ रहा था, अब मैंने 3-4 दोस्त इस काम पे लगा दिए थे, तो तीनों चारों हम लड़की ढूंढ रहे थे यहाँ। तो अब आपको देखा तो मैंने फोटो भेजी, उन्हें पसंद आई, कह रहा ये लड़की ठीक है भाई, ये चल जाएगी। जब उन्होंने कह दिया ना ये लड़की चल जाएगी, तो जिस तरह की डिटेल्स मैंने बताई थी, उन्होंने भी बताया था उसके बारे में, कह रहा भाई हमने ऐसी बताई, ये लड़की चल जाएगी, तो अब इसलिए आप मुझे सही है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, वो मैं आपकी ऐसे भी कर दूंगी, बट ये पैसे नहीं मैं ले सकती और आपसे। देखो पैसे रखो, मुझे देखो पैसे की कमी नहीं है, पैसे आप रखो, आप हेल्प कर रहे हो ना, आप अपना टाइम दोगे ना, मेरे साथ चलोगे ना एक रात के लिए, तो ठीक है, जो आप मेरी मदद करोगे, मैं आपकी भी तो मदद होनी चाहिए, मेरा काम निकल जाएगा, आपका भी काम निकल जाएगा। आप पैसा, आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है कि उनके पास एक रात के लिए जाना है, वो एक बार देख लें कि हाँ ये लड़की है, और उसके बाद ना बात टाल देंगे हम शादी वगैरह की ना। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, बट ये पेमेंट नहीं मैं ले सकती फिर आपसे। देखो पेमेंट क्या, मेरी तरफ से ये समझ लो कि एक हेल्प ही है, जैसे फ्रेंड फ्रेंड ने एक दूसरे की हेल्प करी, वैसे और कुछ नहीं। आपने मेरे लिए, अपने लिए वो कर दोगे, मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है ना? और कोई भी खेल, देखो ऐसा है ना, पैसा सबकी जरूरत होती है, कुछ ना कुछ तो आपकी भी जरूरत होगी ना, उससे जरूरत को पूरी कर देना, और चाहिए तो और ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस ये है कि जब जब जरूरत होगी, हो सकता है मैं आपको याद करूं फिर, है ना, उस टाइम आप अवेलेबल रहना, ठीक है? चलोगे तो अच्छा, एक बात तो, अभी शाम को आपको पिक करें या फिर अभी चल दोगे आप साथ में? क्यों अभी चल दोगे ना, फिर वो उधर फ्लैट है, फ्लैट पे जाके आपको ड्रेस वगैरह चेंज कराने हैं, चेंज करा के ना जिस तरीके से ट्रेडिशनल लुक होता है उस तरीके से लेके जाना उनके सामने कि हाँ जी ये लड़की है ना? तो अब वो थोड़े से ना कुछ ड्रेसेस वगैरह को लेकर ज्यादा ही कॉन्शियस होते हैं कि ऐसे पहनने होने चाहिए, ऐसे पहनने होने चाहिए, ठीक है? तो वैसे आपको पहना के ले जाएंगे तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। ओके, चलें। मैं
अच्छा थैंक यू वेरी मच यार, तुमने मतलब ऐसे टाइम पे ना लोग हेल्प नहीं करते, मेरे ना सच्चे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतारा तुमने। मतलब अब दिमाग रिलैक्स हुआ है थोड़ा सा जब आपने हाँ कर दिया, नहीं तो बहुत टेंशन हो रही थी मेरे को इस चीज की। सही में बात नहीं, इट्स ओके।